नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 अगस्त 2019 के एमपी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारे एमपी जीके डेस्ट मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3 अगस्त 2019 तक के आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीडीएफ आपको 3 अगस्त तक की मिल जाएंगी, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। भोपाल में मध्य प्रदेश के किसान उत्पादक संगठनों का राज्य स्तरीय सम्मेलन कब आयोजित होगा? भोपाल में मध्य प्रदेश के किसान उत्पादक संगठनों का राज्य स्तरीय जो सम्मेलन होना है, वह 6 अगस्त 2019 को होना है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री हैं जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के सचिन यादव, इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। इसका जो उद्देश्य है, मध्य प्रदेश में लघु कृषक हैं, कृषि व्यवसाय में बढ़ोतरी में किसान उत्पादक कंपनियों की वर्तमान भूमिका के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, उनकी समस्या एवं निदान के लिए आवश्यक कदम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के पहले मात्र दुग्ध कोष अमृत कलश का लोकार्पण पर किस अस्पताल में किया जाना है? ये मध्य प्रदेश के पहले मात्र दुग्ध कोष अमृत कलश, ये अमृत कलश के नाम से मात्र दुग्ध कोष, जहाँ पे माताओं का दूध स्टोर किया जाएगा, ये कौन से अस्पताल में इसका लोकार्पण किया जाना है? शासकीय जेपी हॉस्पिटल भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट भोपाल के शासकीय जेपी हॉस्पिटल में 6 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के पहले मात्र दुग्ध कोष अमृत कलश का लोकार्पण पर करने जा रहे हैं। इसमें और डिटेल से देखते हैं कि ये अमृत कलश क्या होगा। बनाने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पाथ और सुसेना हेल्थ फाउंडेशन, ये अमृत कलश है, ये दो फाउंडेशन है, पाथ सुसेना हेल्थ फाउंडेशन, इनके सहयोग से आधुनिक उपकरणों एवं तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसमें पहले चरण में डोनर से संकलित मात्र दुग्ध और मां के स्वयं के शिशु के लिए संग्रहित मात्र दुग्ध का उपयोग संस्था में जन्मे जटिल नवजात एवं मां के चिकित्सक कारणों अथवा लैक्टोरान फेल्यूअर के चलते मात्र दुग्ध से वंचित शिशुओं को देने में किया जाएगा। ये दोस्तों बहुत अच्छी पहल है, हम कहेंगे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की। इसमें क्या हुआ कि जो शिशु जन्म लेते हैं और हाल ही में उनकी माता यदि उसे दूध पिलाने में असफल होती हैं, तो यह है, ये अमृत कलश के नाम से जो दुग्ध कोष बनाया जा रहा है, इससे लाभ हो जाएगा दोस्तों, यानी उन्हें इससे दूध मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सतही जल स्रोत माचा गोरा बांध आधारित योजना किस जिले में स्वीकृत की गई है? अभी हाल ही में सतही जल स्रोत माचा गोरा बांध आधारित योजना छिंदवाड़ा में स्वीकृत की गई है। यह छिंदवाड़ा जिले के 7 विकास खंडों में 711 गांव की समूह जल प्रदाय योजना है। इसकी लागत 1998 करोड़ 20 लाख रुपए है और इसमें 27.30 मिली घन मीटर जल की आवंटन की जरूरत पड़ेगी। यह मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के विकास खंड मोएखेड़, छिंदवाड़ा, परासिया, चौरई, बिछुआ, अमरवाड़ा और जुन्नारदेव विकासखंड के ग्राम में समूह जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जाएगी। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के इंदौर प्रवास पर कब आएंगे? उपराष्ट्रपति हमारे मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं, वो भी इंदौर में। ये कब आएंगे? ये आएंगे 8 अगस्त 2019 को। 8 अगस्त 2019 को हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 8 अगस्त 2019 को आने वाले हैं और ये आके क्या करेंगे? श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये उनकी सुरक्षा का जायजा लिया। ये जो वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय है, ये जो है इंदौर साबेर रोड पर स्थित है, यानी उज्जैन इंदौर रोड पर स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक कौन हैं?
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के जो महानिदेशक हैं वो आर परशुराम हैं। इसी से रिलेटेड एक ये व्याख्यानमाला आयोजित हुई थी। इसके महानिदेशक जो आर परशुराम हैं उन्होंने 3 अगस्त 2019 को व्याख्यानमाला आयोजित हुई थी, उसमें असरदार परिवर्तन टिकाऊ परिणाम में रिवाइवल ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व इन द लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग बायोडायवर्सिटी एंड नेचुरल इकोना सिस्टम विषय पर अपने विचार व्यक्त किए दोस्तों। तो ये 3 अगस्त 2019 को असरदार परिवर्तन टिकाऊ परिमाण के विषय पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में का आयोजन हुआ, मतलब नीति विश्लेषण संस्थान में आयोजन हुआ। कल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दुष्यंत संग्रहालय भोपाल में आयोजित किया गया प्रमाण 2018 समारोह कितने दिवसीय समारोह था। ये आपके द्वारा इसका आंसर बताया गया है, किसी के द्वारा 1 दिवसीय और किसी के द्वारा 3 दिवसीय। तो इसका सही जवाब है 3 दिवसीय। दुष्यंत संग्रहालय में 3 दिवसीय स्थापना समारोह प्रमाण 2018 का आयोजन 28 दिसंबर 2018 से 30 दिसंबर 2018 तक किया गया था। अब जो आपसे क्वेश्चन है आज का टुडे क्विज की, और दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। और मध्य प्रदेश में संचालित स्मार्ट सिटी योजना में निम्न में से कौन सा देश सहयोग कर रहा है, जापान, इजराइल, स्पेन, अमेरिका में से एक देश है जिसका आंसर आपका सही है, और आपको वह आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। मैंने आपको बता ही दिया है कि MPGK-Mobile पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपकी 3 अगस्त की PDF डाउनलोड हो सकती है। आप PDF डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आप उस पर डाउनलोड पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप पहली बार डाउनलोड करेंगे आपके ये फाइल में डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन आप यदि आपको ऐसा लग रहा है कि डाउनलोड नहीं हुई है तो आप उस डाउनलोड बटन पर दोबारा क्लिक करें तो अपने आप आपको डाउनलोड फाइल में दिखने लग जाएगी ये। और इसके MCQ प्रैक्टिस भी आपके 3 अगस्त तक के अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।